आपने पहले वीडियो में पेपर कटिंग दिखाई थी, अभी वही पेपर कटिंग में आपको कपड़े पे दिखाऊंगी, कपड़े पे कैसे कटिंग रखी जाती है। देखिए पहले ये अपन स्ट्रेट कर लेंगे, थोड़ा टेढ़ा बिढ़ा है ना, थोड़ा इसको स्ट्रेट लाइन दे देंगे। ये काट ले लेके पहले तो लेवल मिल जाएगा। अभी देखिए थोड़ा पाव इंच ज्यादा रखना, क्योंकि जब ब्लाउज पहनते हैं तो वो उचकता नहीं है, फिर उठता नहीं है। सॉरी, देखो ये डाला अभी, ये अपने ना ये बंद घड़ी होनी चाहिए ऐसी, देखो जी ये बंद घड़ी अपने पास आनी चाहिए। तो आप यहाँ डालोगे तो अपना दो पार्ट होएगा, तो ये बंद घड़ी अपने पास होनी चाहिए, ये मेन चीज का ध्यान रखना। अभी भाई यहाँ से अपन रखेंगे स्ट्रेट, स्ट्रेट कपड़ा आना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या ये होता है। ये देखिए अभी कटोरी, कटोरी क्रॉस आनी चाहिए, इसी क्रॉस आनी चाहिए तब बैठेगी, कोई स्ट्रेट बिठाएगा तो नहीं जमेगी, तो एकदम फ्लैट हो जाती है, फिर वो इसी क्रॉस में आनी चाहिए। ये चीज का ज्यादा किसी को नहीं जमता है ना, तो ये चीज का ध्यान रखना, ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये स्ट्रेट, ये चीज ही ज्यादा मेन, ये चीज ऐसा स्ट्रेट आया तो आपका कटोरी बराबर बैठता है ऐसा। देखो ये स्ट्रेट रखो, ये वाला भाग, ये वाला, बाकी पूरा ये भी क्रॉस, ये गोल में, ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस। ये भी क्रॉस, खाली ये इधर से स्ट्रेट। देखिए अभी अपन यहां योग निकालेंगे, नहीं बैठता है। नीचे का देखा, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या कम ज्यादा योग आ जाएगा। यहां से स्ट्रेट लाइन कर देते हैं, ओके। अभी आपको मैं कटिंग बताती हूँ कैसे कटिंग किया जाता है। देखिए जी ऐसा काटो, अच्छी तरह से काटो, टेढ़ा बेढ़ा होना नहीं चाहिए। अच्छी से कटिंग होगी तो आपका ब्लाउज भी करेक्ट माप का बैठेगा। कटिंग या अच्छी ना नहीं होगी या माप बराबर लिया तो कटिंग मतलब ब्लाउज नहीं बैठेगा। अरे यार क्या कर दिया ब्लाउज का, ऐसा हो जाएगा फिर। देखो जी
ये यो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था ना कैसा निकालने का था कटिंग। ये स्ट्रेट कर देते हैं, टेढ़ा था इधर किया ही नहीं था। कटोरी का मेन ध्यान यही देख रहे हैं, ये स्ट्रेट होना चाहिए बस, बाकी क्रॉस। आपकी कटोरी इतनी अच्छी तरह से बैठेगी। बराबर इधर देख लेने, कब कम ज्यादा कभी हो गया तो इधर से थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है कटिंग के हिसाब से। इधर थोड़ा नॉचेस दे देंगे अपन, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो हल्का सा इसको देखिए। अभी गला बताती हूँ, गला कैसे किया जाता है। अभी अपना गला कितना है मैंने आपको बोला था ना, नीचे से कोई ऊपर से गला मापता है तो थोड़ा कम ज्यादा गला होता है, कभी भी नीचे से मापने का। जिसका 4 हो तो 4.5 लेने। अभी अपने गले में कैसा 4 था, अभी मैं 4.5 लेने वाली हूँ, आधा इंच नीचे से बढ़ाने का और 2.5 लेने का। ये 2.5 कौन से भी ब्लाउज में, खाली जिसका 38, 40 और 42 उसका रहो तो उसका भी 2.5 लेने का, ज्यादा लेने का। 3 लिया तो यानी गला शोल्डर उतर जाता है, 2.5 मिनिमम एकदम करेक्ट है। शोल्डर तुम्हारा थोड़ा भी नहीं उतरेगा, आपको एकदम कंफर्टेबल महसूस हो जाएगा। ऐसा पहले अपन बॉक्स तैयार कर देते। अभी आपको कौन सा डिजाइन या इसका नहीं बॉक्स में करने का, क्या डिजाइन डालने का क्या। अभी मैं स्टार्ट बता दू, अभी सिंपल में ही आपको बताऊंगी, गोल गला ही करोगे। अभी इधर से 1 इंच लेने का, और अपना स्टक्स पॉइंट ये 4, यहां से 4 और 4 लिया, यहां से 4.5, 5 भी ले सकते पर 4.5 बराबर है। जिसके 40 की छाती चेस्ट हो और 42 का, उसका 5, 5.5 लेने का, वो बैठ जाता है बराबर। यहां भी ऐसा करके राइट। अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टिचिंग बताऊंगी, स्टिचिंग